मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 256 करोड़ रुपए के 228 विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हॉस्टल्स के चार हॉस्टल्स की पट्टिकाएं हैं सर, शिलान्यास है। मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व के अंदर आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त का महत्व हमारे आजादी के जंग में भी बहुत बड़ा है, जब भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, और विश्व आदिवासी दिवस भी है। सुखद संयोग है और आदिवासियों के प्रति जो भावना है वो आप सबको मालूम है कि जब से देश आज़ाद हुआ उसके पहले से ही हमेशा अलग पहचान रही है। आदिवासियों के बारे में हमेशा, चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे बाद में राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री बनते, उन द्वारा शुरू किए थे आदिवासी क्षेत्रों में, उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, और उन सबको ये एहसास रहा है सरकारों को कि आदिवासी लोग जो है आज भी प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को और परंपराओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे साथियों की मांग थी जैसलमेर के अंदर, और तमाम हमारे जो ट्राइबल के हमारे विधायकगण हैं उनकी मांग का सम्मान करते हुए हमने आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषणा करी थी।